तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं बनाने वाली पोई साग का झोर और चावल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पोइया का साग है जो कि गांव में मिलता है, बट अब शहर में मिलना स्टार्ट हो गया है। तो हम मैं इसके पत्ते को और इसके डंठल को अलग कर चुकी हूँ। और यहाँ हमारा चना है, तो चना करीबन 1 कप ली थी मैं, और यहाँ पे इतना सारा पुड़िया का पत्ता है। तो चलिए, सारे पत्ते को अलग करने के बाद और डंठल को अलग करने के बाद मैं इसको अभी काट लूँगी और जो खराब पत्ते हैं उसको छाट लूँगी। तो चलिए इसको छाट लेती हूँ पहले, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ गैस के पास, ठीक है? ओके, तो चलिए आप लोग भी मतलब, तो चलिए पहले सारे पत्ते को छाट लेती हूँ मैं, छाट कर इसको काट लेती हूँ। देख सकते हो गाइस, देख सकते हो आप लोग, मैं सारे पत्ते को काट ली हूँ। इधर हमारा आलू बैंगन का सब्जी बनने वाला है, तो इसको इग्नोर करिए। तो यहाँ पे मैं सारे पत्ते काट ली हूँ, तो चलिए इसको धो लेती हूँ अच्छी तरह से। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आधा चना को पीस लेती हूँ पहले, तो चलिए इसको पीस लेती हूँ, जो सर्दी हो जाता है गाइस, तो इग्नोर। तो यहाँ चलिए चना पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, चलिए गैस को ऑन कर देती हूँ। गैस हमारा गर्म, कढ़ाई हमारा गर्म हो रहा है, ये हमारा छोड़नी। इधर चने को भी अच्छी तरह से मैं धो दी हूँ, और देख सकते हो गाइस कितना प्यारा धूप आता है हमारा। यहाँ चना ये हो गया है, तो चलिए अब लाती हूँ मैं। यहाँ हमारा रहा साग, ये हमारा चना, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल देंगे तेल। तेल को धुआं उठने देते हैं। फ्रेंड, यहाँ चना लाल हो चुका है, तो मैं इसमें डालने वाली, ये कटा हुआ चना, पिसा हुआ चना, तो इसे भी थोड़ा सा भून लूंगी। ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट इसे भूनना है, ताकि इसका भी कच्चापन जो है निकल जाए। देख सकते हो आप लोग, तो देखिए हमारा 2 मिनट हो चुका है और ये अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ अभी नमक, इसमें भी डाल दूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये हल्दी पाउडर। तो बैकग्राउंड में लड्डू रो रहा है, तो चलिए इसको इग्नोर करिएगा आप लोग। और यहाँ पे आप मसाला जो कि मिर्चा आदि और गोलमी जीरा है, तो इसे मैं डाल लेती हूँ और अच्छी तरह से भून लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड देखिए, हमारी अच्छी तरह से ये भी भून चुका है, लाइट इशू हो रहा है थोड़ा, तो ये भी हमारी अच्छी तरह से भून चुका है गाइस। अब इसमें मैं डाल दूंगी पोहे का साग। पोई का साग डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, मैं अच्छी तरह से पहले गला लूंगी। तो चलिए इसे पहले इतना कम से कम 10 मिनट तक भून लूंगी अभी। और इधर लड्डू को देख सकते हैं आप लोग, और लड्डू है जो कि खाने के लिए मांग रहा है, तो उसे मैं प्लेट में दे देती हूँ।
तो फ्रेंड कुछ इस तरह से हमारा सरपोई का साग गलकर हुआ है, मतलब कि इस तरह से भूनने के बाद हो गया। तो चलिए मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और इसे भी गलने तक भून लूंगी जब तक ये गल ना जाए। तो इसे भी भून देती हूँ मैं। गाइस हमारा साग चना और टमाटर अच्छी तरह से भून चुका है। थोड़ा थोड़ा खड़ा टमाटर है तो कोई नहीं, इसको आप रहने दीजिएगा, जब ये मुंह में जाएगा तो बहुत ही अच्छा स्वाद देगा। तो मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो मैं पानी चार लोगों के लिए डाल रही हूँ, हमारे घर में चार लोग हैं तो मैं चार लोगों के लिए पानी डाल देती हूँ। और इसे अभी खोलने दूंगी अच्छी तरह से। सकते हैं आप लोग ये अच्छी तरह से खोलना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मैं इसे और पूरा खोला लेती हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसे खोलने देती हूँ पूरा आराम से, उसके बाद आपको लास्ट में दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे झोर में छौंक। तो यहाँ तेल मेरा गर्म हो चुका है, ये हमारे हाथ में मिर्चा, तो मैं इसमें डाल देती हूँ और गैस को बंद कर देती हूँ। और ये हमारा छौंक क्या है देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए मैं आप इसको आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये झोर कैसा बना और खाने में कैसा लग रहा है, देख सकते हो, सो यम्मी। फ्रेंड कुछ इस तरह से हमारा पोहे का झोर और चने का झोर बनकर रेडी हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो मैं अभी नहाई नहीं इसलिए मैं खाऊंगी नहीं, तो आपको मैं नहा कर उसके बाद खाकर आपको बताऊंगी कैसा लग रहा है। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये झारखंड और बिहार का प्रसिद्ध झोर भात है जो कि पूजते और आई होप कि आपको ये आज का रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा और कौन कौन ट्राई करने वाले हो ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।